प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में वापस स्वागत है। आज हम ईशा उपनिषद के तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले कृपया ईशा उपनिषद श्लोक एक, ईशा उपनिषद श्लोक दो, ईशा उपनिषद का परिचय और वेदांत का परिचय पर पिछले सत्र देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और चिंता ना करें, आपकी सुविधा के लिए इन सत्रों के लिंक विवरण में और स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में दिए गए हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए श्लोक का पाठ करते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महानो जनाः। हिंदी में, अज्ञान उस स्थान के समान है जहां सूर्य नहीं है और वो स्थान इतना अंधेरा है कि वो एक अंधे व्यक्ति की दृष्टि के समान है। साधारण लोग आत्मा को ना जानकर आत्मा को मार डालते हैं और उस अंधेरी जगह में प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान की तुलना हमेशा प्रकाश से की जाती है। ये हमारे मन और बुद्धि से अंधकार को दूर करता है। स्वयं या ब्रह्म या ईश्वर के बारे में ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, इसलिए इसकी तुलना सूर्य से की गई है और अज्ञान प्रकाश के एक भी बिंदु के बिना अंधकार है। यहाँ हत्या का मतलब आत्महत्या या खुद की हत्या करना नहीं है, ये अपने आप को और अपने वास्तविक स्वरूप को अनदेखा करने के बारे में है। पशु, पौधे, पक्षी आदि मनुष्य की तरह बुद्धि और मन लेकर पैदा नहीं होते हैं। वे इंसानों या किसी सुपर इंटेलिजेंट प्रजाति जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है, उनकी तरह भाग्यशाली नहीं है। मैं एक अत्यंत मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी बुद्धि का स्तर वहाँ नहीं होगा जहाँ वो सोच या कल्पना कर सकता है, लेकिन अधिकतम लोगों में स्वयं को जानने की बुद्धि होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे उसे जानना नहीं चाहते। वे बस सोचते हैं कि मानव जीवन खाने, पीने, सोने, काम करने, संभोग करने और आनंद लेने के बारे में है। इसी तरह हम स्वयं को मार रहे हैं। यदि आप प्रत्येक शब्द का अर्थ करते हैं तो ये प्रतीत होगा आत्महत्या के बाद आप नरक में जाएंगे। मेरे मित्र, मुझे विश्वास है कि आप अब तक समझ गए होंगे यहाँ आत्महत्या का क्या अर्थ है और मन की वह अवस्था जिसमें पूर्ण अंधकार और अज्ञानता है, वो अवस्था नरक है। कोई वास्तविक नरक या स्वर्ग नहीं है। मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता। मृत्यु के बाद जैसा कुछ होता ही नहीं है। मृत्यु के बाद यानी आपका भौतिक शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। ये श्लोक पूरी तरह से एक जीवित अज्ञानी व्यक्ति की बात कर रहा है और इस धरती पर अधिकतम लोग ऐसे ही होंगे। तो अब जागो। उपनिषद वो सूर्य है जो सभी जड़ता, अंधकार, पूर्वाग्रह और अज्ञानता को दूर कर सकता है।
प्रिय दर्शकों, यूनिवर्सल वेदांता आंदोलन की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। घंटी के निशान को दबाएं ताकि जब भी कोई नया सत्र या वीडियो जारी हो आपको सूचित किया जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है या आपने विचार साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिप्पणी अनुभाग का उपयोग करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे।